यूपी के मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंत्री के खिलाफ कानपुर कोतवाली में तहरीर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रीडर कामिनी ने ये तहरीर दी है, मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रीडर कामिनी ने सिटी कोतवाली में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि मंत्री राकेश सचान को कल कोर्ट ने वर्ष 1991 में थाना नौबस्ता में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी सिद्ध करार कर दिया था। सजा सुनाई जाती इससे पहले ही कैबिनेट मंत्री राकेश सचान अपने वकीलों की मदद से आदेश की कॉपी लेकर कोर्ट से निकल गए। कानपुर पुलिस इस मामले में गोलमोल जवाब दे रही है और जांच की बात कह रही है। देखिए, हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है। क्योंकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। जाहिर है मामला मंत्री से जुड़ा है, इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मंत्री राकेश सचान ने अपनी सफाई देते हुए सभी बातों को भ्रामक करार दिया है। कोई आदेश ने 90-91 के कुछ वाद हमारे लंबित जिनमें कुछ जिरे वगैरह होनी है, जिरे की बारीक बारीक कुछ लेकर के और आगे तिथि देने की बात उन्होंने की है और कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही है।